यदि हम पृथ्वी के अंदर को देखें तो पृथ्वी के अंदर को जानने के लिए कुछ विद्वानों ने इसका रासायनिक संगठन, इसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है, यह भी बताने का प्रयास किया हुआ है। इसमें सबसे पहले स्वेस महोदय का नाम आता है। स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी यह बताने का सबसे पहले प्रयास किया था। इन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह जो ऊपरी भाग है इसे इन्होंने अर्थ सरफेस या सतह कहा है, धरातल की सतह कहलाती है। सतह के ठीक नीचे जहाँ तक महाद्वीप है वहाँ पर इसका विस्तार अधिक होता है, लेकिन जो भूभाग जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर ये जो निचला भाग है ये काफ़ी गहराई तक होता है। लगभग 50 से 100 किलोमीटर तक की गहराई वाला क्षेत्र, और कहीं कहीं पर इसकी गहराई कुछ अधिक भी हो जाती है। तो इस क्षेत्र को इन्होंने सियाल, SIAL, सियाल के नाम से संबोधित किया है। सियाल जिसमें दो शब्द प्रमुख है, SI सिलिका और AL एल्यूमिनियम, ये दोनों ही हल्के पदार्थ है और यह पृथ्वी की सतह के नीचे में पाए जाते हैं। सबसे ऊपरी भाग है पृथ्वी की सतह के नीचे का भाग, इसमें हल्के तत्वों की अधिकता है और इसीलिए इन्हें सियाल के नाम से संबोधित किया है। इस सियाल की यह विशेषता है कि इसमें कुछ और भी रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे इन क्षेत्रों में तेजाबी पदार्थों की अधिकता होती है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन जो है, या शेल, ग्रेनाइट, नीस, ये तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की भी अधिकता यहाँ पर देखने को मिलती है। यही जो सियाल वाला क्षेत्र है यहाँ पर रेडियो धर्मी पदार्थ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, जिसमें थोरियम या यूरेनियम की मात्रा अधिक होती, तो ये भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और संभवतया यही जो रेडियो धर्मी पदार्थ है ये सियाल के क्षेत्र में चट्टानों को पिघलाने की स्थिति तक लाते हैं, अत्यधिक दबाव के कारण चट्टानें टूटती फूटती है और इस क्षेत्र में संवहनिक तरंगों का विकास होता है। तो ये रेडियो धर्मी पदार्थ भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसे सियाल के नाम से संबोधित किया है। बच्चों आप यहाँ चित्र में इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। जहाँ पर सियाल समाप्त होता है वहाँ से दूसरा स्तर शुरू होता है और इसे सीमा, SIMA, सीमा के नाम से संबोधित किया गया है। यह जो सीमा है ये बहुत ही भूगर्भ का एक विस्तृत क्षेत्र है। सियाल के नीचे से प्रारंभ होता है और लगभग 2900 किलोमीटर की जो परिधि पृथ्वी के केंद्र से हम खींचे तो उस क्षेत्र तक सीमा का विस्तार देखने को मिलता है। सीमा का जो क्षेत्र है इसमें बेसाल्ट और गैब्रो चट्टानों की प्रमुखता पाई जाती है। यहाँ पर सीमा नाम क्यों दिया गया, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम यानी सियाल की तुलना में ये पदार्थ अधिक भारी है, इनका घनत्व अधिक है। लगभग यहाँ पर इसका जो घनत्व है ये लगभग 3 से 4.5 या 4.7 तक इसका घनत्व देखने को मिलता है।
तो सिलिका और मैग्नीशियम इन दो तत्वों की प्रमुखता है, जबकि सियाल का जो घनत्व है ये सतह पे तो 2.7 से 2.75 और कहीं कहीं 2.9 और भीतर में आने पर 3 से 3.5 तक इसका घनत्व देखने को मिलता है। सीमा में इसका घनत्व बढ़ जाता है। लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई से केंद्र तक का जो क्षेत्र होता है इसे स्वेस महोदय ने निफे के नाम से संबोधित किया है। निफे, निकल और फेरियम ये दोनों लौह तत्व का संयोग है जिसमें चुंबकीय गुण बहुत अधिक विद्यमान है। यह पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है। निफे में तापमान भी सबसे अधिक होता है, लगभग यहाँ पर तापमान 3700 डिग्री सेल्सियस से प्रारंभ होकर के केंद्र की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इस क्षेत्र में निफे में निकल और फेरियम जैसे तत्वों की अधिकता के कारण पृथ्वी में पाए जाने वाला जो चुंबकीय शक्ति वाला जो गुण है, पृथ्वी में जो परिदृढ़ता है, पृथ्वी की जो कठोरता है या पृथ्वी की जो स्थिरता है, ये सभी बातें इसी निफे के क्षेत्र के कारण यहाँ पर पाई जाती है। इस क्षेत्र में लोहे के सिलिकेट या मैग्नीशियम के सिलिकेट की मात्रा अधिक होती है। कोर का क्षेत्र, लौह की प्रचुरता यहाँ पर पाई जा रही है और इसलिए जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि पृथ्वी अपने ऑर्बिट में घूम रही लेकिन स्थिर है, एक निश्चित कक्ष में घूम रही है, तो ये निश्चित कक्ष या स्थिरता जो है ये इसी पृथ्वी के केंद्रीय भाग या निफे के कारण पाई जाती है। सबसे अधिक घनत्व, लगभग यहाँ पर घनत्व 11 के लगभग पाया जाता है जो सर्वाधिक घनत्व है और उसी के कारण पृथ्वी में जो आकर्षण हम देख रहे हैं, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है ये इसी निफे के कारण यहाँ पर पाया जाता है। तो बच्चों ये तीन वर्गीकरण, जैसा कि आप यहाँ पर आपने चित्र में देखा, ये तीन वर्गीकरण जो है ये स्वेस महोदय ने बताए हैं। इसके बाद कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से वर्गीकरण किया हुआ है लेकिन सभी के जो वर्गीकरण है ये स्वेस के वर्गीकरण के लगभग पाए जाते हैं। बच्चों आप जानते हैं, जैसा अभी मैंने बताया, आपने सुना होगा कि जो पृथ्वी बनी हुई है ये पृथ्वी कई रासायनिक तत्वों के संयोग से बनी है। उल्काओं के अध्ययन में हमने यह देखा है कि उल्का भी कई रासायनिक तत्वों से बनी है। ऐसे ही पृथ्वी को यदि हम एक उल्का या एक तारामंडल का एक क्षेत्र माने या एक ग्रह मानते हैं, सूर्य से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, ऐसे कई तरीके से हम पृथ्वी को जानने का प्रयास करते हैं, तो पृथ्वी में जो पाए जाने वाले तत्व हैं इन तत्वों में ऑक्सीजन, सिलिका, मैग्नीशियम, फेरियम, निकल, सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और सोडियम ये प्रमुख तत्व है जो कि पृथ्वी में पाए जाते हैं और इन्हीं तत्वों के कम अधिक या इनके संयोग से ही, जैसा अभी मैंने बताया कि पृथ्वी में लोहे के सिलिकेट और मैग्नीशियम के सिलिकेट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और पृथ्वी का जो कोर है इसमें तो लोहे की प्रचुरता ही है जो इस क्षेत्र के चुंबकीय शक्ति को बताती है। पृथ्वी में पाए जाने वाला जो गुरुत्वाकर्षण है, जो चुंबकीय, यही लोहे की प्रचुरता बताती है। तो बच्चों ये तो पृथ्वी का एक सामान्य वर्गीकरण, अंदर की संरचना कैसी है। वर्तमान जो वैज्ञानिक है उन वैज्ञानिकों ने आधुनिक विचारधारा में पृथ्वी का अंतरतम कैसा है यह बताने का भी प्रयास किया है। आइए हम सब एक आधुनिक मत में हम पृथ्वी
का अंतरतम कैसा है इसको जानने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट, सतह, धरातल जो आप देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, ये है क्रस्ट, सतह है। ये पृथ्वी के सबसे ऊपर में पाया जाता है। इस क्रस्ट का घनत्व 2.7 से 2.9 है। और ये जो क्रस्ट है धरातल से नीचे में, इसकी गहराई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती है। धरातल में इसकी गहराई लगभग 30 किलोमीटर है और कहीं कहीं पर इसकी गहराई 150 किलोमीटर तक भी पाई जाती है। पर्वतों के नीचे में क्रस्ट जो है वह नीचे तक काफ़ी गहराई तक फैला हुआ है। तो इस प्रकार से यह क्रस्ट धरातल का ऊपरी हिस्सा है। लगभग क्रस्ट से लगभग हम 30 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे तो यहाँ तक क्रस्ट कहीं कहीं पर चौड़ा है। और नीचे के भाग में इसका जो घनत्व है यह लगभग 3.3 के लगभग पाया जा रहा है। क्रस्ट जहाँ पर समाप्त होता है उसकी जो निचली सीमा है इसे हम ऊपरी मेंटल कहते हैं। यह जो ऊपरी मेंटल है यह ऊपरी मेंटल लगभग 200 किलोमीटर की गहराई तक या उसके नीचे से 200 किलोमीटर से प्रारंभ होता है। यहाँ पर जो इसका घनत्व है प्रारंभ में 3.3 था और बढ़ते बढ़ते इसका जो घनत्व है वह लगभग 4.3 के लगभग पाया जाता है। इसे हम ऊपरी मेंटल का क्षेत्र कहते हैं। ऊपरी मेंटल के बाद उसके नीचे का क्षेत्र जो है इसे हम निचला मेंटल कहते हैं। यह जो निचला मेंटल है लगभग 700 किलोमीटर की गहराई तक यह निचला मेंटल स्थित है और इस निचले मेंटल का घनत्व 5.5 से बढ़ते बढ़ते लगभग 7 तक चला गया है। और इस प्रकार से ये जो निचला मेंटल है ये इसकी स्थिति कहाँ तक है 2900 किलोमीटर की गहराई तक। 2900 किलोमीटर के अंदर पृथ्वी का कोर या केंद्र का हिस्सा आता है जिसे हमने जैसे अभी निफे के नाम से संबोधित किया था। तो यह जो कोर है 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है यह बाह्य कोर कहलाता है। बाह्य कोर यहाँ पर इसका घनत्व क्रमशः बढ़ते चला गया है और बाह्य कोर का जो घनत्व है ये बढ़ते बढ़ते लगभग यहाँ पर 7 से 8 तक चला गया है। उसके बाद लगभग 5100 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक का जो क्षेत्र है इसे हम आंतरिक कोर कहते हैं। इसका घनत्व कुछ विद्वान तो 11 तक मानते हैं लेकिन कुछ कहते हैं कि इसका घनत्व केंद्र में और भी अधिक है। ये तो एक पृथ्वी का सामान्य वर्गीकरण हुआ। बच्चों आपको यह जानकर आश्चर्य भी होगा, एक कौतूहल होना चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए कि पृथ्वी का जो हमने ये अलग अलग बेल्ट बनाए हैं, अलग अलग जोन बनाए हैं, ये जोन जैसे क्रस्ट है, ऊपरी मेंटल है, निचला मेंटल है, बाह्य कोर है, आंतरिक कोर है, ये हमने अलग अलग क्षेत्र बनाए हैं। इस क्षेत्र को बनाने के पीछे अनेक विद्वानों के सतत प्रयास, लंबे समय तक इनके अध्ययन शुरू हैं। बहुत से भूगर्भशास्त्री और बहुत से भूकंपविद जो है वह निरंतर प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयासों की देन है कि ये अलग अलग जो पेटियां हैं आज बनी हुई है। बच्चों ये जो भिन्न भिन्न बेल्ट या जोन, ये जो अलग अलग क्षेत्र का मैंने उल्लेख किया है,
इसका एक उद्देश्य भी है बच्चों, जैसा अभी मैंने शुरुआत में बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और इसको घूमने में उसको 24 घंटे का समय पूरा लगता है, लेकिन ये जो पृथ्वी के अंदर के जो अलग अलग बेल्ट हैं, इन बेल्ट में जो घूर्णन की प्रक्रिया होती है, यह जो प्रक्रिया है इसमें अलग अलग गति से प्रत्येक बेल्ट घूम रहे हैं। ऊपरी बेल्ट की गति कम है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई की ओर जाते हैं इनकी गति में कुछ अंतर आता है, और इसलिए जहाँ जहाँ पर गतियों में अंतर आता है उसे हम असांतत्यता या डिसकंटिन्यूटी या भिन्नता तल कहते हैं। इस प्रकार के भिन्नता तल में दो भिन्नता तल विशेष रूप से उल्लेखित है। एक है मोहो भिन्नता तल, मोहोरिविक, ये यूगोस्लाविया के भूकंपविद रहे हैं और 1909 में इन्होंने एक भिन्नता तल का अध्ययन किया। इनका ऐसा मत है कि पृथ्वी के भीतर गहराई पे लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक एक भिन्नता तल पाया जाता है, और इस भिन्नता तल में इन्होंने बताया कि इसमें जो तरंगित लहरें, जो वेव्स है, इनकी गति ऊपर के तरंगों की गति लगभग 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जबकि इस भिन्नता तल के नीचे, आपने इस सीमा रेखा से इस भिन्नता तल को महसूस किया है, तो इस भिन्नता तल के नीचे में इनकी जो गति है वह लहरों की गति 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये लहरें घूम रही है। जब एक ही दिशा में घूमने वाली जो लहरें हैं, लेकिन ये एक सीमा बनाती है और एक सीमा के ऊपर में जो गति है वो 7.2 और नीचे में 8.1 प्रति सेकंड की गति से ये बह रही, यानी इनकी गति में भिन्नता के कारण यहाँ पर क्या होता है, जब दो गति वाले क्षेत्र एक साथ चल रहे हैं तो घर्षण होता है और घर्षण होने से यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये जो ऊर्जा है यही ऊर्जा हमें धरातल के ऊपर में कई जगह भूतापीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। कई भूतापीय ऊर्जा के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों का हम विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न स्थानों में अध्ययन करते हैं कि ये भूतापीय ऊर्जा कहाँ से आ रही है, तो ये इसी प्रकार के घर्षण से, अत्यधिक ताप के कारण जो घर्षण बढ़ जा रहा है उससे यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ये जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा हमको विभिन्न रूपों में देखने को मिलती है। वर्तमान में हम इसको जो ऊर्जा के अल्टरनेटिव सोर्स हम इसे कहते हैं, गैर परंपरागत सोर्स जो हैं ये इसी प्रकार के ऊर्जा, जैसे कहीं पर तो आप देख रहे हैं कि कुएं से गर्म भाप निकलती है और इसको ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है और इससे विभिन्न ऊर्जा के निर्माण के कार्यक्रम बनाए गए हैं। आप गर्म पानी के झरने, गर्म पानी के जो स्रोत हैं इसको भी आप देखते हैं, तो ये सब भूतापीय ऊर्जा के प्रमाण है। ऐसी पृथ्वी के अंदर में इन क्षेत्र में ऊर्जा के भंडार है, और यही ऊर्जा जो है ये विभिन्न सोर्स के माध्यम से बाहर आती है और इसका हम उपयोग करते हैं। इसी प्रकार के एक और असांतत्यता या भिन्नता का जो क्षेत्र है
इस पर अध्ययन सन 1936 में लेहमान ने किया था, और उसके बाद गुटनबर्ग ने इस क्षेत्र को उजागर किया। तो मेंटल और क्रोड आप देख रहे हैं, जो मेंटल निचला मेंटल है, और उसके बाद जो क्रोड ये बाह्य कोर है, इन दोनों के बीच की जो स्थिति है, यहाँ पर भी असंबद्धता पाई जाती है। यहाँ पर भी जो घूर्णन की गति है, घूमने की दिशा एक ही है लेकिन गति में भिन्नता है, और इस असंबद्धता का जो नामकरण हुआ है यह गुटनबर्ग के नाम से इसे बताया गया है। तो गुटनबर्ग असंबद्धता इसे कहते हैं, जो कि मेंटल और क्रोड के बीच में देखने को मिलती है। तो बच्चों, ये जो अलग अलग जोन है, यहाँ पर असंबद्धता आंकी गई है, और जिसमें से दो, एक मोहरविक असंबद्धता और दूसरा गुटनबर्ग असंबद्धता, ये दो प्रमुख असंबद्धताएं भी पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में विशेष उल्लेखित है, जो कि आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इसका विशेष उल्लेख देखने को मिलता है। बच्चों, ये जो दुर्बलता मंडल है, मैंने आपको बताया था कि यह जो क्षेत्र है, यहाँ पर अम्लीय तत्वों की प्रधानता है। रेडियोधर्मी तत्व, जैसे जो ये जो रेडियोधर्मी तत्व है, ये तत्व यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं, जो कि चट्टानों में निरंतर तोड़फोड़ की प्रक्रिया कहते हैं। थोरियम यूरेनियम जैसे जो पदार्थ हैं, ये चट्टानों के दबने की स्थिति में चट्टानें टूटती है, और टूटने से ये पदार्थों की सक्रियता यहाँ पर देखी गई है। और इस क्षेत्र में इन्हीं पदार्थों के सक्रियता के कारण यहाँ पर कुछ वेव्स, कुछ तरंगे उत्पन्न होती है, जो कि इस तरल पदार्थ को निरंतर प्रवाहित कर रही है। ये लो वेलोसिटी जोन होता है। हम इसको लो वेलोसिटी जोन इसलिए भी कहते हैं कि जब यहाँ पर भूकंप की जो प्राथमिक तरंगे है, प्राइमरी वेव्स है, ये इस क्षेत्र से टकराकर धीमी हो जाती है, क्योंकि तरल यह क्षेत्र है, और तरलता प्राथमिक तरंगे जो है वो सीधी चली आती, लेकिन यहाँ पर टकराने के बाद इनकी गति कुछ धीमी हो जाती है। यहीं पर इस क्षेत्र में पृथ्वी की जो घूर्णन की जो क्रिया है, यह क्रिया अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। जहाँ पर ये जो लो वेलोसिटी जोन है, इसके ऊपर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो तरंगों की गति है 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये तरंगे प्रवाहित हो रही है, जबकि इसके निचले क्षेत्र में जो तरंगों के प्रवाह की गति है, ये है 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस क्षेत्र का अध्ययन सबसे पहले मोहरविदिक नामक यूगोस्लाविया के एक भूकंप विज्ञानी हैं, इन्होंने इसका अध्ययन सबसे पहले किया था सन 1909 में, और उसी के कारण यहाँ पर जो असांतत्यता पाई जाती है, इसे मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहो असांतत्यता या मोहो भिन्नता तल के नाम से जाना जाता है। ये जो मोहो भिन्नता तल है, इसके ये क्रस्ट तक का क्षेत्र यहाँ तक है, यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच का क्षेत्र, इसे मोहो भिन्नता तल कहते हैं। क्रस्ट के ठीक नीचे और मेंटल का जो ऊपरी सतह है, यानी लगभग 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर, यहाँ पर भी घनत्व में कुछ अंतर आता है, और जो ऊपर में जो
दुर्बलता मंडल है उसका कुछ प्रभाव नीचे में होता है। तो चट्टानें पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी कुछ तरल मात्रा में ही चट्टानों की स्थिति देखने को मिलती है, और उसके कारण इस क्षेत्र में एक चैनल प्रवाहित हो रही है। यह चैनल गुटनबर्ग चैनल है। बच्चों आप इस चैनल इसे ये चैनल है ये असांतत्यता नहीं है, यह भिन्नता तल नहीं है, बल्कि यह एक चैनल प्रवाहित हो रहा है जिसे हम गुटनबर्ग चैनल कहा है। गुटनबर्ग चैनल के नीचे में लगभग 700 किलोमीटर की गहराई पे एक और लेयर दिखाई दे रही है, और यह जो लेयर होती है यह ग्वालिट्सिन लेयर के नाम से जानी जाती है। ग्वालिट्सिन लेयर लगभग 700 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। इसके बाद ये जो 100 से 700 किलोमीटर की जो गहराई का क्षेत्र है इसे हम ऊपरी मेंटल कहते हैं, अपर मेंटल इसे कहा जाता है। यहाँ पर जो तापमान होता है लगभग 2000 सेंटीग्रेड के लगभग पाया जाता है, और इस क्षेत्र में चट्टानों का जो घनत्व है वह 4.7 के लगभग पाया जाता है। अपर मेंटल यानी 700 किलोमीटर की गहराई के बाद लोअर मेंटल प्रारंभ होता है, और ये जो लोअर मेंटल है यह 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। एक विस्तृत क्षेत्र में यहाँ पर द्रव्यमान भी अधिक होते हैं, तो इस वृहत क्षेत्र में ये लोअर मेंटल पाया जाता है। लोअर मेंटल में 700 से 1000 किलोमीटर की जो गहराई है यहाँ पर एक और डिस्कंटिन्यूटी का क्षेत्र बनता है जिसे रैपिटी डिस्कंटिन्यूटी कहा गया है। यह 1000 किलोमीटर की गहराई पे देखा गया है।